करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और तब हनुमान जी आनंदित हुए जब भगवान प्रेम करेंगे ऐसा आशीर्वाद माँ से मिला। तो हम लोग चिंतन कर रहे थे कि हनुमान जी ने अपनी लीला के माध्यम से, अपनी सुंदर शैली के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, निस्वार्थ भाव से, कर्म के माध्यम से जानकी जी को भी अपना कृतज्ञ बनाया। जानकी जी प्रसन्न हो गई हनुमान जी पर। और भी आगे घटना आती है, जिस समय लंका में रावण पर विजय की भगवान ने, उस समय भी जानकी मैया पर को सूचना देने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। भगवान ने हनुमान जी से कहा तुम जाओ जानकी को सूचना दे करके आओ। और उस समय रावण विजय की सूचना हनुमान जी ने जाकर के जानकी मैया को दी। और उस समय जानकी जी के नेत्र से अश्रु धारा बही, हनुमान मैं तुम्हारा उपकार कभी चुका नहीं सकती, तुमने आज इतनी बड़ी सूचना मुझे आकर के दी है, मेरे भगवान विजयी हो गए, रावण से जीत गए भगवान, बहुत बहुत आशीर्वाद हनुमान जी को दिए। अच्छा, मानस में ही भगवान के ही परिवार के दूसरे पात्र हैं लक्ष्मण जी। कई लोग कहते हैं लक्ष्मण जी और हनुमान जी की सीधी वार्ता कभी मानस में नहीं आई, कहीं किसी घटना में नहीं रही, कोई संवाद नहीं लिखा गया लक्ष्मण और हनुमान जी का। तो कई लोग तो कहते हैं जब हनुमान जी मिले ना, उसी समय भगवान ने कह दिया कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी भगवान से मिलने आए तो लक्ष्मण जी बगड़ में खड़े थे। अच्छा, कोई व्यक्ति जिसने अपना परिवार छोड़ दिया हो, कोई व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, कोई व्यक्ति जिसने सब माता पिता धन दौलत अयोध्या नगर सबको छोड़ करके भगवान के साथ जो चले हो, और कोई रास्ते में मिल जाए और भगवान बोले तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, तो लक्ष्मण जी को थोड़ा तो लगा होगा कि अच्छा आज ये मिल गए तो हमसे दुगने हो गए। तो कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी का इसीलिए कोई संवाद नहीं आया, क्योंकि शायद लक्ष्मण जी को लगा हो कि भगवान ने मिलते ही इनको हमारे से दुगना बना दिया। ये बड़ी समस्या का विषय है महाराज। कहीं कोई गुरु जी एक शिष्य को बड़ा बना दे और एक को छोटा, तो क्या होगा? संघर्ष शुरू हो जाएगा। पिताजी कहीं एक बेटे को ज्यादा प्रेम कर लेने गए एक को कम, तो संघर्ष हो जाए महाराज, झगड़ा शुरू हो जाए। पर यहाँ ऐसा नहीं है जो हम आप सोचते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा, लक्ष्मण जी को और प्रसन्नता हुई कि कम से कम इस बहाने हमें ये तो पता चल गया, हनुमान जी को जब भगवान ने कहा कि तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। आज तक तो हमें ये ही नहीं पता था कि हम भगवान के प्रिय हैं, पर आज ये पता चल गया कि हम भी भगवान के प्रिय की श्रेणी में हैं, तो आज लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। मानस में दर्शन आया। बाद में एक समय की घटना है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगे, उस समय लक्ष्मण जी भी हनुमान जी के कृतज्ञ बने, हनुमान जी के ऋणी बने। जब शक्ति लगी और उस समय वीर घातनी छाणे से सांगी, जिस समय वीर घातनी शक्ति का प्रहार हुआ और लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान जी जैसे तैसे उठा करके लाए लक्ष्मण जी को। राम जी ने देखा और राम जी ने देखा तो आज राम जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़े। मेरा वो भाई जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज वो मेरा भाई मेरे सामने अचेतन अवस्था में पड़ा है, तो भगवान आज रो पड़े। कई बार चिंतन करके देखना, आज का जो समय चल रहा है वो बड़ा विकराल चल रहा है महाराज। आज क्या होता है, पड़ोसी से बन जाती है, घर से बाहर सबसे बन जाती है, पर नहीं बनती तो किससे नहीं बनती? केवल भाई से भाई की नहीं बनती, बाकी सबसे बन जाती है। लेकिन आज भगवान ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया। श्री भगवान आज लक्ष्मण के लिए रोए,
वीर घातनी छाणे और सारे वानर भालू व्याकुल हो गए।